अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदाए फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यिमा बकियतल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहुश शरीफ। करबलाए मौला बहनुल हरमैन मोमिनीन की चाहत का मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, अरबाइन के अय्याम मोमिनीन के लिए दिलगिरी और दिल गिरफ्तगी के अय्याम, अगर वो करबला ना आ सके हों, आए हैं तब भी उनकी चाहत यही है कि वो मशी करने की इस्तेदाद रखते हों, मशी कर लें फ़बेहा, अगर ना कर सकें तो बार बार मौला के हरम की तरफ पैदल चलते हुए जाते हैं ताकि अपने आप को मशी करने वाले पैदल चलने वालों में शामिल कर सकें। आइए अपना नाम भी करबला के पैदल चल के आने वालों में लिखवाने के लिए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए। अपनी आस हसरत इल्तिजा तमन्ना को मौला की बारगाह तक पहुंचाने के लिए सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फिदाए तुराबे इब्ने अबू तुराब अलैहिस्सलाम सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज अकीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, अस्सलामु अलैका यबना रसूलिल्ला, अस्सलामु अलैका यबना अमीरिल मुमिनीन वबना सय्यदिल वसीयीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका यबना फातिमा ज़हरा सय्यदाते निसाइल आलमीन وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास याबना अमीरिल मुमिनीन वाबना कातिलिल मुशरिकीन अल्मुतीउ लिल्लाहि वाले रसूले वाले अमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन
अस्सलामु अलैका या कतीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाब अल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। करबला में अल्लाह की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुश आमदीद अर्ज करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 16 सफरुल हुज्र 1444 हिजरी है, 13 सितंबर 2022 ईस्वी है और पीर का दिन है। आज के दिन हम मौला की बारगाह के अंदर मंगल का दिन है। आज के दिन हम मौला की बारगाह में मौला के मेहमान हैं और आज के दिन हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 957 हदिया अहले बैत अलैहिस्सलाम करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे नोहा खान जनाब, सैयद अकबर अली नकवी साहब, हैदरी ग्रुप माड़ी इंडस मियांवाली पाकिस्तान से, और शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद असगर इमाम अलमारूफ असगर गोपालपुरी घोसी साहब ज़िला मऊ यूपी इंडिया से, और एक हमारे मेहमान जो कि शिरकत ना कर सकेंगे नोहा खान व ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद शेर अली शाह कादमी साहब खैरपुर मीर सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। खुदावंद मुताल का इस नेमत उज़्मा पर कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की इतनी अजीम नेमत अता फरमाई, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। अल्लाह तबारक व ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम। इसका असर इंसान कभी ज़ाहरी तौर पर महसूस कर लेता है और कभी कभार इंसान को महसूस करने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जब मुश्किल पेश आती है तो उसे पता लगता है हमारे साथ कितनी बड़ी नेमत वाबस्ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा खान जनाब, सैयद अकबर अली नकवी साहब, हैदरी ग्रुप माड़ी इंडस मियांवाली पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। सखी पीर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अरबईन के अय्याम हैं, यकीनन आपका भी जी चाहता होगा करबला मौला में मौजूद हों। बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मवद्दतों का नजराना पेश करने का वक्त है और मौला की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कीजिए, मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाह इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाह जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिल फरज हम पाकी भी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का नोहा पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाह। यकीनन मौला हुसैन अलैहि सलाम और पाकी भी कबूल व मंजूर फरमाए। सकीना का ये नोहा मैं ज़ईफ़ा हो गई, सकीना का ये नोहा मैं ज़ईफ़ा हो गई, सकीना का ये नोहा मैं ज़ईफ़ा हो गई। अल्लाह। जब लगा पहला तमाचा, जब लगा पहला तमाचा मैं ज़ईफ़ा हो गई, सकीना का नोहा मैं ज़ईफ़ा हो गई। हाय हाय। जब लगा पहला तमाचा, जब लगा पहला तमाचा मैं ज़ईफ़ा हो गई, सकीना का ये नोहा मैं ज़ईफ़ा हो गई। अल्लाह। वारिसे मैयत को पूरी सा लोग देते हैं मगर, वारिसे मैयत को पूरी सा लोग देते हैं मगर,
यूं दिया मतने पुरसायूं मतने पुरसा मैं तो हो गई हाय हाय हसकीना का ये नोह मैं तो हो गई अल्लाह तय मिला जिंदा बाक तो बचने का आप आए हैं बाबा आप अब आए हैं बाबा मैं संपा हो गई हाय हाय हसकीना का नोह मैं संपा हो गई अल्लाह जब लगा पहला तमाचा जब लगा पहला तमाचा मैं अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद जी अगर इजाजत हो तो एक और नोहा पढ़ सकता हूँ जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए बिस्मिल्लाह कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो भैया तुम माँ की तरह भैया तुम माँ की तरह लो सुना दो भैया सुला दो भैया सुला दो भैया लगता है अंधेरे ते करते सकीना को लगता है अंधेरे से करते सकीना को तुम से बाका तुम से बाबा का दिला दो भैया दुखते का सुला दो ते भैया सुला दो ते भैया भैया मेरे कानों से अब तक है लहू जारी भैया मेरे कानों से अब तक है लहू जारी तुम आके जरा मरहम तुम आके जरा मरहम लगा दो मुझे भैया तो कहते कान सुला दो मुझे भैया सुला दो भैया मैं सात मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया मैं सात मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया दो घूंट हो गए पानी दो घूंट हो गए पानी पिला दो मुझे भैया दुखते हैं सुला दो भैया सुला दो मुझे भैया ना बाप कसना है चोली है न मदर की ना बाप कसीना है चोली है न मदर की अब गोदी में तुम
अपने ही को दी मैं तुम्हें अपनी सुना दो हमारे भैया दुखे से मेरे का सुना दो हमारे भैया सुना दो हे भाई तुम माँ की तरह भैया तुम माँ की तरह लो सुना दो भैया तो कहते हैं मेरे कान सुला दो ये भैया सुला दो ये भैया मैं सात मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया मैं सात मुहर्रम से प्यासी हूँ रे भैया तो कहो कर पानी दो घूम कहो कर पान पिला दो रे भैया तो के दे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो माशाल्लाह बहुत प्यारे आपने कलाम पढ़े। अगर कुछ और पढ़ना चाहे तो आपके पास वक्त है, अगर कुछ पढ़ना चाहे तो जी बहुत शुक्रिया मैं पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहें, ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहे और इस जिक्र का सदका दुआ गो हूँ जल्द करबला मौला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर हदीय जिक्र पेश करने का शरफ हासिल हो, ये शराफतें आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुकद्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें जिक्र मार्फत मोहब्बत इश्क अहले बैत अलैहिम सलाम से। ये थे हमारे साथ नुहा खां जनाब सैयद अकबर अली नकवी साहब हैदरी ग्रुप माड़ी इंडस मियाँ वाली पाकिस्तान से। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहें। आपने जिस तरीके से कहा था कि आप सफ़र की हालत में थे और सफ़र में भी आपने नेट तलाश किया और हमें शिरकत फरमाई, इस बात का मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें सवाब में शरीक फरमाया, वरना अजर आपका अहले बैत अलैहिम सलाम ही अता फरमा सकते हैं। हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि अहले बैत अलैहिम सलाम इस जिक्र को आपकी नस्लों में जारी सारी रखें। मशी के अयाम चल रहे हैं और मशी अपनी खास कैफियत रखती है। अच्छा न जाने क्या बात है, अमल मुस्तहब है लेकिन मोमिन की ख्वाहिश यही है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पैदल चलता हुआ जाए। इस पैदल चलने में क्या राज हैं, क्या असबाब हैं? राज एक जो छोटा मोटा सा जहन में आता है, शायद इसमें आगे भी हों और बल्कि हैं हकीकत में, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम कुर्बानी देना चाहते हैं, अपने आप को थका के आना चाहते हैं। थकाना इस माने में नहीं कि हम अकीदा थका लेंगे, थका हुआ अकीदा जो होता है वो पस्ती की तरफ होता है। थका जिस्म का थकाना, अपने आप को अजियत में मुबतला करना, अपने आप को मुशक्क़त में मुबतला करना मौला की खातिर, अपने आप को जहमत में डालना मौला की खातिर, गो के मौला की राह के अंदर मुशक्क़त मुशक्क़त नहीं होती, अजर अजीम है, जहमत जहमत नहीं होती, बहुत बड़ी अता है कि मौला की खातिर इंसान कुछ तकलीफ उठाए। इसी अता का और इसी जहमत को नेमत उज़्मा समझते हुए, रहमत कबीर समझते हुए और अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी समझते हुए ज़ायरीन की ख्वाहिश होती है कि मौला की बारगाह में थक जाएं आते हुए। ज़ाहरी तौर पर बदन थका हो लेकिन रूह बेदार हो जाती है इस थकने से। इंसान जितना मर्जियाए कोशिश करके थक जाता है, पाँव में आबले पड़ जाते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है और इंसान का जिस्म थोड़ा थोड़ा सा फूलता जाता है, खसूसन
पांव इंसान के सूज जाती हैं, इंसान थोड़ा सा अगर तबीयत नासाद हो तो यकीनन ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बहुत हाई हो सकता है, और कुछ ऐसे दोस्तान होते हैं जो बीमार होते हैं, लेकिन मौला के शहर में आकर मौला के लिए पैदल चलने के बाद वो कहते हैं, कई ज़ायरीन को देखा जो मौला की राह में पैदल चलते हुए कहते हैं कि हमने हद ये है कि हमने अपने दिल की दवाई भी नहीं खाई, हमने अपने ब्लड प्रेशर की दवाई भी खाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, हमने शुगर की दवाई खाने की भी महसूस नहीं रखी, हालांकि हमने अनवाओ अकसाम के खाने खाए। मैं नहीं कहूँगा कि आप बद परहेजी शुरू कर दें सफ़र करते हुए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में आने वालों के नज़रियात ये थे कि उन्होंने रस्ते के अंदर काफ़ी सारी दवाइयों को भी महसूस नहीं किया कि उन्हें खानी चाहिए या ज़रूरत महसूस नहीं की। हालाँकि आम हालत में इंसान 2 किलोमीटर भी मुश्किल ही चलता है, 5 किलोमीटर चलें कुछ लोग चल लेते होंगे, हर किसी के अपने अपनी ज़रूरियात और अहवाल के अतबार से कुछ लोग कुछ ना कुछ चल लेते हैं, लेकिन 85 किलोमीटर यकमुश्त एक साथ पे हम मुस्तमिर लगातार चलना, ये बहुत बड़ा कमाल है कि मोमिनीन 3 से 3.5-4 दिन में, बहरहाल अगर कोई ज़्यादा ताखीर करना चाहे तो अपने हसब बर्दाश्त हौसला और अपनी कैफियत के अतबार से करता है, वरना 3-3.5 दिन में इंसान पहुंच जाता है, वो भी इस सूरत में कि लगातार नहीं चल के बल्कि रेस्ट करते हुए, खाते पीते, नमाज़ें रोज़े करते हुए, रोज़ा तो नहीं, नमाज़ें पढ़ते हुए और पैदल चलते हुए, इस्तराहत करते हुए, और इस कैफियत के अंदर इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हुए आहिस्ता 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 चलता हुआ 3-3.5 दिन में पहुंच जाता है। मर्द फिर भी चल लेते हैं, लेकिन ख़ासूसी बात जब आ जाए बच्चों और ख़वातीन पर, तो ये भी एक ख़ास हालत होती है जब रस्ते के अंदर छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, कोई पानी पेश कर रहा है, कोई टिश्यू पेपर पेश कर रहा है, कोई हद ये कि टूथपिक्स, दांतों को साफ़ करने वाली लकड़ी जो होती है टूथपिक्स, खिलाल जिसे कहा जाता है, वो पेश कर रहा है, कोई रस्ते में खड़ा हुआ कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन लगाई। मैंने करबला के अंदर ही 3-4 जगहों पर देखा कि 5-5, 7-7 वाशिंग मशीन लगाई हुई हैं, सर्फ वगैरह लिए खड़े हुए हैं कि कोई आए कपड़े लाए तो हम धो कर दें, उसे खुश्क करके दें कपड़े, और मोमिनीन अपनी अपनी कैफियत में खिदमत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से किस्सा मैंने पढ़ा कि कहने लगे कि एक ज़ायर ने देखा कि रस्ते के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो अपने पास रखे हुए है वज़न करने वाली मशीन रखे हुए बैठा हुआ है। उसने कहा शायद इस कैफियत में बच्चा गरीब है, कमाने के लिए बैठा हुआ है, कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। कहने लगा मैं आगे बढ़ा और मैंने आगे बढ़कर उससे कहा कि वज़न करना चाहता हूँ, कहा आओ, खड़ा हो गया और वज़न किया अपना। वज़न करने के बाद कहने लगा कि मैंने उसे जिस तरीके से मामूल था कुछ ना कुछ हदीयतन पैसे देना चाहे तो बच्चे ने इनकार किया। कहने लगा बिलाखिर तू बैठा हुआ है काम करने के लिए बैठा। कहने लगा मैं काम दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए करने के लिए बैठा हूँ। कहने लगा वो कैसे? कहने लगा कि मेरे घर के अंदर इतने पैसे नहीं थे कि मैं मौके लगा सकूं, मैं शरबत बांट सकूं, मैं चाय बना सकूं, मैं खाना पका कर दे सकूं, मैं कबाब बना कर दे सकूं, मैं मछली पका कर दे सकूं, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं कपड़े धोकर दे सकूं या जूते पॉलिश कर सकूं, या इतनी जगह नहीं थी मेरे पास कि मैं सोने वालों के लिए बिस्तर आमादा करके दे सकूं, मुझ में इतनी कुदरत नहीं थी कि मैं ज़ायर के मसाज कर सकूं, हाथ पांव घोट सकूं, उसे सुकून पहुंचा सकूं, मेरी इस्तेआत में यही था। मैंने माँ से जो कहा तो माँ ने कहा तेरे पास और कुछ हो ना हो तेरे पास वज़न करने वाली मशीन तो है ही, जा लेकर बैठ जा, ज़ायरीन की इस हिसाब से खिदमत करता रहे, तेरा अजर हसब ख्वाहिश और हसब खुलूस तुझे मिल जाएगा। तो बच्चे को पैसे देना चाहे मैंने इकरार किया तो कहने लगा कि खबरदार मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आम दिनों में मैं जितना कमाया करता था उसे बमुश्किल हम खाना खाया करते थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है कि मैं ये छोटा सा काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, उस खाने से कई गुना ज़्यादा मैं खाना और अनवाओ अकसाम के खाने खाता हूँ, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अता है मुझ पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद असगर इमाम अल मारूफ असगर गोपालवी घूसी साहब ज़िला मऊ यूपी इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद, मेरी आवाज़ समाज फरमा रही है?
जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल साफ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जावेद, मौला आपको सलामत रखे। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। हम पाको हिंद के रहने वालों की मोहब्बत ज़माने में दुनिया को दर्स देती है कि इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम कैसे किया जाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम पर किस तरीके से फरीफ्ता हुआ जाता है, किस तरीके से कुर्बान हुआ जाता है। बरे सगीर की ये आदात तमाम दुनिया के लिए सबब तालीम व तदरीस हैं। चाहूँगा अपनी मोहब्बत का इजहार मौला की बारगाह में कीजिए, मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में पेश कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। शायद नेट में प्रॉब्लम है भाई की जानिब, जैसे ही ठीक हो जाते हम दोबारा कनेक्ट कर देंगे भाई को। बहरहाल अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक ख़ास मकाम है उन लोगों का जो मौला की बारगाह में खुलूस को इस तरह पेश करते हैं कि बाकी हर चीज़ को भूल जाते हैं, और ये हर चीज़ को भूल जाना एक बहुत बड़ी इनायत हुआ करती है। और अपने तन मन धन को मौला की राह में कुर्बान कर देना ये मुख्तलिफ़ अंदाज में हो सकता है। कभी मौला की ज़ाहरी हालात ज़िंदगी के अंदर मुश्किल पेश आ जाए तो भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मौला के ज़ाहरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल नहीं है बल्कि किसी मोमिन को मुश्किल पेश आई है, उसकी मुश्किल को रफ़ा करना, दूर करना, हटाना। जी दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असगर इमाम साहब, बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन टीवी 4 चैनल के बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज़ को मौला की बारगाह रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन्हीं जज्बात के साथ हाजिर करता हूँ, यहीं मेरा आगाज कलाम होता है। टेबल कोई हुआ तो फर्क सब ही हुआ, टेबल कोई हुआ न फर्ज तब कोई हुआ, जब तक जबां पे आई इमाम की। वाह 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 वाह। टेबल कोई हुआ न फर्ज तब कोई हुआ, वाह, जब तक जबां पे आई क्या हिदायत इमाम की। वाह। हेलो, जी आपके नेट में आप जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा और मुंह को जरा करीब करके बोलिएगा ताकि आपकी आवाज अप डाउन ना हो। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। टेबल हुआ ना पर्दा कोई हुआ, जब तक जबां पे आई ना मिदहत इमाम की। शेर अर्ज है कि लाखों मिल के मारा, हकों ने मिल के मारा मगर मर सका ना हो रहा। वाह मगर मर चुका ना हो, पैगाम जिंदगी है मोहब्बत इमाम की। करबला वालों को पहचानना आसान नहीं, करबला वालों को पहचाना आसान नहीं, आप क्या चीज है उन्हें जिगर बांटते हैं, आप क्या चीज है ये उन्हें जिगर बांटते हैं। और समझ के कर कोई सवाल, आपके बदले में ये लोग तो सर बांट। पता और हाजिर कर दूं मौलाना मेरे सामईन के कला में मौत के सौदागरों को छीन कर
خالق کو عطا کی زندگی جی بسم اللہ بسم اللہ کے سوداگر دین خالق کو عطا زندگی شبیر اور شیخ کو کاٹا گلے سے پتھروں کو پھول سے تشنگی میں ایک انوکھی شبیر نے کتنے جانی ہے یہ ہے اس کی حقیقت مصرے خصوصی جو کا طالب ہوں یہ ہے بلا اس کی حقیقت کتنے جانی یہ ہے کربلا حقیقت کتنے جانی ہے یہاں تو بولنے والوں سے بھاری بے زبانی ہے جانی ہے وہاں تو بولنے والوں پہ بھاری بے زبانی ہے اور بڑا ہی شیر سنے بڑا ہی بے حیا شرم بے حس تھا بن کاہل بڑا ہی بے حیا بے حس تھا بن کاہل جب ہار مانی ہے صبح یقیناً بیر پانی ہے یقیناً بیر پانی ہے خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نادل فرمائے. شاید نیٹ کی پرابلم تھی آپ کی جانب جس کی وجہ سے کئی مرتبہ کال کٹی. بہرحال اگر پھر بھی لوٹ آتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں بہت پیارا کلام لکھتے ہیں, بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نادل فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. کربلا معلیٰ میں شبی سادی کا سلسلہ ایک رہتا ہے. ہاں خداوند مطال ہم سب کو اس ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. اور یقیناً یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید اصغر امام المعروف اصغر گوپال پوری صاحب گوسی ضلع مئو یو پی انڈیا سے. خداوند مطال آپ کی توفیقات خیر میں دعویٰ فرمائے. عراق کے اندر شبی سازی تمثیل جسے کہا جاتا ہے وہ کی جاتی ہے اور وہ ایک نقش چھوڑ جاتی ہے دل کے اندر. اسی کی کیفیت میں ایک ہمارے ہاں بین الحرمین میں اس وقت گزر رہی ہیں شبیہیں اور جو کہ کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کی کربلا میں واپسی کی عکاسی کرتی ہیں. چند محمل اور یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا میں واپس آ رہا ہے اور اس شبی سازی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور وہ بی بی کا لوٹ کے شام سے واپس آنا مومنین کے دلوں میں نقش ہو کر رہ جاتا ہے. سو لہذا یہ شبی سازی مومنین کے لیے بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے دیکھ کر گریہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے جو دوستان ہمارے ساتھ موجود رہے فیس بک کے اوپر, ان میں سے چند میسیجز ہمارے پاس ہیں, پڑھ دیتا ہوں. زہرہ نقوی صاحبہ نے لکھ کر بھیجا, مولا ہم سب کو بلائیں
मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। फिर ज़हरा नकवी साहिबा ने लिखकर भेजा अस्सलामु अलैकुम, ये मुखफ़फ़ा लिखकर भेजा AOA, बहरहाल इसका मतलब अस्सलामु अलैकुम ही लिया करते हैं लोग। मौला आप पर भी सलामती बरकतें नादिल फरमाएं। इरफान सैयद साहब ने लिखकर भेजा है अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अस्सलामु अलैकुम अलैका या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को यकीनन दूर और करीब से कबूल फरमाते हैं और मौला आप पर रहमत बरकतें नादिल फरमाएं। फिर इरफान सैयद साहब ने लिखकर भेजा अस्सलामु अलैका या अबू फादिल अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएं और आप पर रहमत बरकतें नादिल फरमाएं। फिर रईस मोहब्बत अली साहब ने लिखकर भेजा सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद, वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आप पर रहमत बरकतें नादिल फरमाएं। सैयदा परी गुल नकवी साहिबा ने लिखकर भेजा सलाम या हुसैन, मौला आप पर सलामती और बरकतें नादिल फरमाएं और आपकी इस मुख्तसर सी ज़ियारत को अपनी जनाब मकबूल फरमाएं। और सैयदा परी गुल साहिबा ने लिखकर भेजा सलाम या अब्बास, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सलाम, एक बहुत बड़ी रीत है जो कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हक बनता है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को सलाम करके पेश की जाए। अय्याम अरबईन मोमिन कुछ वीज़ों की वजह से परेशान हैं और ये मुश्किल बहुत ज़्यादा है। सालार साहिबान ने पासपोर्ट जमा कराए, वीज़े मिलने में देर हो रही है, अब सब्र का पैमाना दोनों तरफ से लबरेज है, सालारों का भी और ज़ायरीन का भी, एक अजीब सी गहमा गहमी है और एक अजीब सी कश्मकश है जिसके अंदर ज़ायर और सालार दोनों मुब्तला हैं। टिकट है पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, आने का रास्ता खुलता है नहीं खुलता, ईरान साइड से इराक आने वाले ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए बॉर्डर बंद था जो कि बहुत ही मुश्किल अमर है ज़ायरीन के लिए, क्योंकि आपको मालूम है मासूम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया दीन गरीबों पर ही शुरू है और गरीबों पर ही ख़त्म है। लिहाजा करबला आने वाले पाकिस्तान से जो बाई रोड अफराद हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा मकदार में तादाद में मौला की ज़्यारत करने के लिए इतना सख्त कठिन सफ़र तय करके आते हैं कि यकीन जानिए जो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप हैरत में पड़ जाएंगे। 10-10 दिन का 12-12 दिन का सफ़र ऐसी कंजस्टेड कैफियत के अंदर, देखिए बस का सफ़र जितना भी आरामदेह हो जाए कंजस्टेड थोड़ा सख्त जहमत तलब तो होता है, लिहाजा ज़ायरीन अपना खाना पीना भी कुछ मीठी रोटियां पका के कुछ अचार के साथ कुछ खुश्क रोटियां लेकर मुख्तलिफ अंदाज़ में ज़ायरीन अपने साथ खाना लेकर चलते हैं। ज़ाहरी बात है कि अपने अपने हालात के अव्वल तो वैसे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए आए तो ज़हमत बर्दाश्त करके, जिस तरीके से मैं पहले ही अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत के अंदर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने के लिए ज़ायरीन पैदल चल के आते हैं ताकि वो इस ज़हमत मुशक्क़त के अंदर शरीक हो जाएं और मौला की बारगाह के अंदर इस तरीके से पेश हों कि अपने आप को थका रखा हो उन्होंने, अपने आप को कुर्बान कर रखा हो, अपने आप को फरीफ्ता कर रखा हो। लिहाजा ज़ायरीन अपनी मौला की बारगाह के अंदर इस हालत के अंदर पेश होते हैं। और फिर हमने अर्ज़ किया आपके हुजूर के मौला की बारगाह के अंदर ज़ायरीन आकर फ़र्श पर सो जाते हैं, मट्टी पर सोए हुए हैं, कोई काटन के गत्ते हैं उन्हें फैलाकर सोए हुए हैं, कोई चादर बिछाकर सोया हुआ है, कोई यूं ही खाक पर सोया हुआ है, अजीब मोहब्बत भरा माहौल होता है, देखने से ताल्लुक़ रखता है, बर्दाश्त करने से ताल्लुक़ रखता है, ईमान को तकवीत देने से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौला की बारगाह में आने के लिए इंसान को मुखलिस होना चाहिए, हम बात कर रहे थे अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर कुर्बानी देने का जज्बा लेकर आने वालों की मुख्तलिफ अंदाज का जज्बा है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आने वाले इस ज़हमत को इस मुश्किल को बर्दाश्त करते आ रहे होते हैं। अच्छा, ये बर्दाश्त करते हुए देखना लोगों को ये भी खुद दर्द का सबब होता है। एक और फरमान के अंदर मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चों से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए हमें, एक ये कि वो अच्छे कपड़े हों नए कपड़े हों पुराने कपड़े जैसे भी हैं उनको वो इस तरीके से महसूस करते हैं जिस तरीके से एक आधी हालत के अंदर हो और वो वहीं सादा इतने होते हैं कि मिट्टी पर बैठते हुए उन्हें कोई कबाहत नहीं होती है, नाराज़ हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा तुलानी नहीं करते नाराज़गी को, फौरन ही राज़ी हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो सीखनी है बच्चों से वो ये सीखनी है जो भी खाते हैं मिल बाँट के खाते हैं,
छोटी सी चीज़ लाए जिसे पसंद करते हैं, खसूसन उसे तो देते ही हैं, और कोशिश होती है उन्हें कि सारों के साथ मिलजुल कर खाएँ वो, और इस चीज़ को अच्छा समझते हैं बच्चे। अगर अकेले खा रहे हों तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके साथ वाला भी खाए। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा चमचा उठा के सीरीलैक कस्टर्ड या जो भी चीज़ बच्चों को बना के दी जाए वो अपने माँ या जो खिला रहा उसके भी मुँह में देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बच्चों की खास आदत है। और इस सफ़र के अंदर जब हम आ रहे होते हैं तो और चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, मसलन खिदमत करने वालों की खिदमत। इनमें सबसे ज़्यादा नुमाया चीज़ जो होती है ना वो बच्चों की खिदमत होती है। बच्चों का खिदमत करने के लिए पेश हो जाना होता है। बच्चे जब आ रहे होते पैदल चलते बच्चे कुछ प्रॉम्प्ट्स के अंदर, वॉकर के अंदर या माँ बाप की झोली के अंदर सोए हुए बच्चे, अच्छा एक ख़ास कैफियत रखती तरह फूल होता है। एक फूल इंसान देखता है खुशी फरहत महसूस होती है। अल्लाह ने बच्चों के अंदर ऐसी रानाई रखी होती है, अपना हो पराया हो बच्चा, बच्चा बच्चा ही होता है। जानवरों में भी अल्लाह ताला ने ये एक मोहब्बत का सिलसिला रखा है कि बच्चा हो तो माँ बाप बच्चे को पसंद करते ही हैं, लेकिन गैर के सामने भी किसी का बच्चा आ जाए तो वो मोहब्बत की निगाह से ही देखता है। छोटी छोटी सी शरारतें बच्चों की, छोटी छोटी सी हरकत सकनात नजर से करबला आते हुए, क्योंकि हम ज़्यादा आते हैं इस रूट से तो लिहाजा यहीं से हम मशी करते हुए पैदल चलते हुए वॉक करते हुए आ रहे होते हैं, बच्चों की कैफियत मुख्तलिफ हो रही होती हैं। आज कहीं पर खिलौना नज़र आ गया तो बच्चों ने रोना धोना शुरू कर दिया, और कहीं पर बच्चों को थकन महसूस कर ली तो माँ बाप रुक जाते हैं, कहीं पर माँ बाप को खींचते ले जा रहे हैं बच्चे, कहीं पर ख्वाहिश है बच्चों की खिदमत करते हुए नज़र आए, बच्चों का एक ख़ास माहौल हुआ करता है। और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बागीचे में फूल रखे हैं इसी तरीके से घर के आंगन में बच्चे फूल हुआ करते हैं। और करबला के इस कहें माहौल के अंदर बच्चों की हरकत सकनात ख़ास कैफियत की हामिल होती हैं। खेल रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, कुछ मोबाइल में मसरूफ़ हैं, माँ बाप के साथ आ रहे हैं, लोग भी फिर कोशिश करते हैं कि जिनकी गोद में बच्चा है उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, उसको जल्दी से रास्ता दे दें, क्योंकि ज़ाहरी बात है हम खुद थक गए हैं। जिस माँ की गोद में बच्चा है या जिस बाप के साथ बच्चे हैं या जिस फैमिली के साथ बच्चे चल रहे हैं, ज़ाहरी बात है वो अपने आप को भी थकन में चूर होकर अपने आप को संभाले हुए होते हैं, तो बच्चों को संभालना उनके लिए नहायत मुश्किल हो रहा होता है। उनका सामान, क्योंकि बच्चों का सामान भी निस्बतन ज़्यादा होता है, एक गाड़ी सी के अंदर सामान डाल रखा है, घसीटते हुए आ रहे हैं, किसी टोकरी में डाल रखा है सामान, रस्सी से खींचते हुए आ रहे हैं, और ये एक बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला माहौल होता है। अल्लाह ताला आप सबको इस माहौल में आकर करबला, अरवाइन, मशी, मोहब्बत, लंगर तकसीम करने, खिदमत करने, खाना पका के तकसीम करने वालों में शुमार करें, और आप भी आएँ, अपनी मौकब खोलें और अपने मुल्क, अपने शहर, अपने कबीले का नाम लिखाएं मौला के खादिमों में। आइए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो हम पर वैसे ही करम करते हैं, रहमत की निगाह रखते हैं, उनका दिल हमारी जानिब भी मबजूल है और करबला की जानिब आने वाले ज़ायरीन की जानिब भी मबजूल है, खुसूसन उस काफ़िले की जानिब जो शाम से आ रहा है उसकी जानिब खुसूसन मबजूल है। आए वक्त के इमाम को याद करें, उनके ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिले वली खल फरज। Sir, 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 Sir,